जी हाँ, हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की हम बात कर रहे हैं, जो कि अब कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा से जुड़ने को लेकर चर्चा में है। कुछ टाइम पहले की बात है जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ सपना को वक्त गुजारते देखा गया, जिसके बाद ऐसी खबरें आई कि मनोज खुद करेंगे ऐलान सपना के भाजपा में शामिल होने को लेकर। खैर, इस वक्त ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बात हम बताना चाहेंगे आपको। सपना ने ये बुरी खबर फैंस को दी है कि उनके साथ जो हरकत हुई है उससे वो परेशान होकर नाचना गाना छोड़ने के लिए कहीं मजबूर ना हो जाए। नहीं नाचेंगी सपना चौधरी, और उन्हें ऐसे मजबूर करने की कोशिश में एक शख्स ने उनके साथ व्यवहार किया। जी हाँ, सपना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वो काफी ज्यादा खुश होती है को लेकर, अपने काम को लेकर, जो बॉलीवुड में भी अपने आप को आजमा रही है। लेकिन सपना जब स्टेज पर परफॉर्मेंस के वक्त गालियां सुन पड़ी तो उन्होंने दे डाली ऐसी धमकी, गालियां सुनाने वालों को करारा जवाब दे दें। अगर वो नाच गाना छोड़ देंगी तो क्या कोई उनके कमाई देगा? जी हाँ, वो नाच गाना छोड़ने के लिए तैयार है अगर कोई आदमी उन्हें घर की कमाई देने के लिए, उनकी कमाई देने के लिए तैयार हो जाए की है, ऐसे शर्त रखे हैं सपना चौधरी ने। वहीं उन्होंने गुस्से में एक बच्ची से ये सलाह भी दिया कि आप मत नाचना बेटा, वरना लोग गाली देंगे। जी हाँ, सपना का ये हुंकार काफी चर्चा में है, और वो इस तरह के हुंकार लगा रही हैं क्योंकि लोग वहां मौजूद थे और उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर सपना चौधरी ने अपने इसी बर्ताव से किया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से रिपोर्ट।